अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी इतना सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो से हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी, अभी फ़िलहाल हम लोग गोश्त पकने के लिए रख रहे हैं क्योंकि पापा गए हुए हैं बाज़ार और पता नहीं वो क्या वेजिटेबल्स लेकर आएंगे, मतलब कौन सी सब्ज़ी लेकर आएंगे और क्या हम लोग बनाएंगे, इसलिए अभी आइडिया नहीं है। पापा गए हुए मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी के लिए, और वो जो भी लेकर आएंगे वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि वो रेसिपी जो सी हम लोगों ने वो कैसे तैयार करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो सा यहाँ पर गोश्त पकाएँगे उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो हम लोगों ने कैसे तैयार करना है। वो हम लोगों ने ये कि गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है और उसके अंदर मैंने जो सा है एक दरमियाने साइज़ का जो सा प्याज वो शामिल कर दिया है, 3 से 4 अदर टमाटर वो बारीक बारीक चॉप करके, मतलब बारीक बारीक काट कर वो डाल दिए हैं, गोश्त जो सा वो मैंने इसके अंदर रख दिया है और अब इसके अंदर स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो सा है वो सॉल्ट ऐड करूँगी कि 2 टेस्ट है, आप जितना कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून जो सा है वो रेड पेपर, सुरख मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही जो सा है वो मैं हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी। तो आप लोग जो इसके अंदर मसालों की मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं और मीट पे भी डिपेंड करता है कि आपने वो कितना लिया है। और आलमोस्ट जो सा है 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करता हूँ। इन चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं और फिर गोश्त को पकने के लिए रख देते हैं। एक उबाला दिलाएंगे और फिर जो सा है गोश्त को वो हम लोग पकने के लिए रख देते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं कौन सी वेजिटेबल पापा लेकर आते हैं और क्या आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज की रूटीन में जो भी हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारी कुकिंग की, आज हम क्या कुक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। जैसा कि आप लोगों से हम लोगों ने कहा था कि पापा गए हुए मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए कि वो क्या लेके आते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं था। तो पापा जो से वो शलजम लेकर आए हैं, शलजम हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं, काट के इनको छील कर हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया क्योंकि अब हमारी जो सी रेसिपी वो शलजम गोश्त की रेसिपी हो गई है। अब शलजम गोश्त की रेसिपी आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं तो गोश्त हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके पकने के लिए रखा हुआ है, इसीलिए रखा था कहता है जो टाइम है वो बच जाए और टाइम वेस्ट ना हो तो सब्जी आएगी साथ इसको डाल देंगे। तो शलजम आ गए हैं और अब इसको हम लोग पका के फिर इसके अंदर कैसे शामिल करेंगे, इसके अंदर पालक भी डालेंगे, ये खारे ना बने, ये नमकीन ना बने, थोड़ा सा इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए एक मतलब ट्रिक है, एक ख़ास इन्ग्रीडियंट है जो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखें। पानी खुश्क हो गया ना तो मैं भूनती हूँ। हाँ जी, ये देखो माशाल्लाह 5 मिनट हो गए भून लिया, ये देखो माशाल्लाह कितना हो गया। अब मैं ना सब्जी में डाल, अब ये मैंने ना तेल डाल दिया, मैंने थोड़ा सा प्याज डाला पल्ला, ये सब्जी है ना। अब मैंने इसे ना 5 मिनट भूनती हूँ पहले अच्छी तरह, जो मैंने सब्जी प्याज किया ना फिर मैं उसमें ना डाल दूँगी। हाँ जी, ये मैंने सारा गोश्त मिक्स कर दिया, अब इसे ना अच्छी तरह डाल के ना तो अब भूनते हैं इसे, पानी वगैरह शर्दियों का वो भी खुश्क हो जाएगा।